मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, प्लान ए फेल, अब प्लान बी स्टार्ट। ये नुमान कहाँ गया? गुलाम रसूल के मदनी फूल आया, मदनी मुन्ना गुलाम रसूल। ये पकड़ लिया। ये क्या? आपको पकड़ना तो बहुत आसान है। होशियारी, दैट इज कॉल्ड स्मार्टनेस। जब एक प्लान से टारगेट अचीव ना हो रहा हो तो प्लान बदलना पड़ता है। ये गुलाम रसूल भाई के साथ कौन है? ये हमारे नए दोस्त सर भाई हैं, जो साइंस के काफी मालूमात रखते हैं। आए इनके पास चलते हैं। क्या बात है सर भाई, आप क्यों परेशान हैं? और आप दोनों इन पौधों के हवाले से क्या बात कर रहे थे? ये क्या किया गया आप दोनों ने? आप दोनों के खेल के दौरान पौधे का गमला टूटा है, जिससे पौधे को काफी नुकसान पहुंचा है और दूसरे पौधे भी खराब हुए हैं। ओहो, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। क्या आपको पता है कि पौधे अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है? अल्लाह पाक ने इन दरख्तों और पौधों को इंसान की खिदमत के लिए लगाया हुआ है और ये फजाई आलूदगी दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये फजाई आलूदगी दूर करते हैं? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन? साइंसी तहकीक के मुताबिक दरख्त और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नाम की बुरी गैस अपने अंदर लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन यानी सांस लेने में मददगार गैस हम इंसानों को देते हैं। ऑक्सीजन तो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकते। ये पौधे तो बहुत ही कीमती होते हैं। जी, ये पौधे वाकई बहुत कीमती होते हैं। वैसे भी ये पौधे तो अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने जुल्म और ज्यादती के बगैर कोई दरख्त उगाया, जब तक अल्लाह पाक की मखलूक में से कोई एक भी उसमें से फायदा उठाता रहेगा तो उसको यानी लगाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने स्कूल में लगे हुए फूल पौधों का खूब ख्याल रखिए, बल्कि हो सके तो अपने घरों और महल्लों में भी अच्छे अच्छे पौधे लगाइए और माहौल ठंडा और खूबसूरत बनाइए। सो लेट्स ब्रेथ इजी।